नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ पुस्तक के पार्ट 3 नादान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बाल मन में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तर के बारे में बताया गया है कि बच्चों के अंदर बचपन में कैसी कैसे प्रश्न उठते हैं और उनको जानने की कैसी कैसी जिज्ञासाएं होती हैं, इसका उत्तम चित्रण किया गया है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग पाठ नादान दोस्त। इस पाठ में केशव और श्यामा नाम के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर के छज्जे पर चिड़ा और चिड़िया ने एक घोंसले में अंडे दिए थे। बच्चे तो छोटे होते हैं और मासूम भी होते हैं। बच्चों, जैसे आप लोग भी हो ना, कि भोलेपन में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हो हर किसी के विषय में, उसी प्रकार से ये केशव और श्यामा जो है ना, वो भी हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो उनके घर के छज्जे पर चिड़िया चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब उन दोनों बच्चों के मन में ये जिज्ञासा रहती थी कि घोंसले में कितने अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे और वो कैसे खुद से उड़ जाएंगे, घोंसला कैसा होगा। ये अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं बच्चों के मन में होती हैं। बच्चे तो बहुत ही मासूम होते हैं, भोले होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानना चाहते हैं, जो कि उनकी समझ से परे भी होता है। इस प्रकार उन केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की हिफाजत के लिए कुछ करने की सोची। जैसे उन्होंने सोचा कि चिड़िया तो दाना खाती है, तो चलो दाने का प्रबंध किया जाए और उनके पीने के लिए एक कटोरी में पानी रखा जाए। फिर बच्चों ने सोचा कि घोंसले में चिड़िया को आराम नहीं मिलेगा, चिड़िया के बच्चों को, तो चलो उनके लिए एक गद्दी बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने एक घर के पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके मुलायम सी गद्दी बनाई बच्चों उनके लिए, ताकि चिड़िया के अंडे रख दें और उसमें से जब बच्चे निकलें तो उनको उसमें आराम महसूस हो। इस प्रकार उन लोगों ने उनके दाना, पानी और घोंसले का इंतजाम किया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब छज्जे पर चढ़कर घोंसले तक कैसे पहुंचा जाए। तो बच्चे, आप लोग भी जैसे छोटे छोटे होते हो ना, तो कहीं ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब निकालते हो, चेयर रखोगे या कुछ सीढ़ी या कुछ स्टूल ढूंढोगे घर में, वो भी बड़े लोगों की नज़र बचाकर। तो इसी प्रकार इन दोनों बच्चों ने भी, जब उनके माँ सो गई, तब वो लोग गए और बाथरूम से एक स्टूल लाए, उस पर चौकी रख कर केशव छज्जे तक पहुंच गया। उसने वहां पर चिड़िया के बच्चों के लिए दाना और पानी का इंतजाम किया। उसके बाद उसने श्यामा ने कहा कि बच्चों को आराम कैसे मिलेगा, तो केशव ने कहा कि चल उनके लिए पुराने कपड़े ले आ, गद्दी बनाता हूँ। तो बच्चों उन दोनों बच्चों ने मिलकर गद्दी बनाई और उस पर उनके अंडे रख दिए। इस प्रकार श्यामा ने कहा, भैया इनको तो धूप लगती होगी, गर्मी लगती होगी, इनके लिए कुछ और भी प्रबंध करो। तो श्यामा केशव ने एक पुरानी टोकरी लेकर उनके ऊपर छा दी, घोंसले के ऊपर लगा दी और उनके ऊपर छाया कर दी। इस प्रकार उन लोगों ने उनके घोंसले में जो अंडे थे उनकी हिफाजत का पूरा प्रबंध कर दिया बच्चों। अब चिड़ा चिड़िया उन अंडों के पास नहीं आए। तो थोड़े दिन बाद श्यामा ने देखा कि अंडे तो नीचे गिरे पड़े हुए हैं। वो घबरा गई, वो तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और अपने भैया को बुला के लाई। कहले कि भैया, आपने अंडे कैसे रखे थे, वो तो नीचे गिरे पड़े हैं और टूट गए हैं। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे, तब तक उनकी माँ वहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, तो बच्चों ने कहा कि ये अंडे नीचे गिरे पड़े हैं। श्यामा ने माँ को बताया कि भैया ने अंडों को ऐसे करके गद्दी पर रख दिया था। तब उनकी माँ ने दोनों बच्चों को खूब डांटा बच्चों, क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी नादानी में। उन्होंने उसकी माँ ने समझाया कि चिड़िया के अंडों को छूते नहीं हैं, यदि आप छू दोगे तो वो उनको फिर सेगी नहीं। सेने का मतलब होता है पालना। इस प्रकार बच्चों, हमको अनजाने में कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई कार्य करना भी है तो अपने माँ बाप से, बड़े लोगों की निगरानी में करना चाहिए, उनसे पूछ कर करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी राय देंगे, जो भी सुझाव देंगे, वो अच्छा ही होगा
और आप किसी प्रकार की गलती करने से बच जाओगे, क्योंकि बच्चों का मन होता है हर समय किसी ना किसी की सहायता करने का भी होता है, लेकिन यदि आपने नादानी में कुछ कर दिया तो वो गलत हो जाता है, जिसका कि आपको पश्चाताप भी होता है और दुख भी होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भविष्य में जो भी काम करना हो उसके लिए अपने बड़े बड़े लोगों से ज़रूर राय लेनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। आशा है बच्चों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। इस पाठ से संबंधित वर्कशीट नंबर 3 आप लोग को दे दी गई है, उसकी सहायता से प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ याद करिएगा। घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।